नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवमी की पूजा, हमने किस प्रकार से नवमी की पूजा की और आपको किस प्रकार से नवमी के दिन पूजा करना होता है। नवरात्रों के नौ दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और माता सिद्धिदात्री माता रानी के नौवें रूप हैं। तो आज हम माता सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे नवमी पर, और मैं कोई भी बताने वाला हूँ नवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जौ को देख सकते हैं, जौ नवमी वाले दिन जो है बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने उन्हें बांध के रखा है, थोड़ा मतलब कलावे की वजह से उन्हें बांध दिया है, क्योंकि वो फिर पूरे मंदिर में फैल गए थे। तो सबसे पहले तो मैं स्नान करा दूँगा गणेश जी को, नवग्रह को, माता रानी को, और जो हमारे कलश हैं इन्हें भी स्नान करा देंगे, और जारों पे भी हम थोड़े बहुत जल के छींटे दे देंगे। सबसे पहले सबका शुद्धिकरण किया जाता है, तो सबसे पहले सभी को स्नान करवाएं। स्नान करने के बाद गणेश जी का पूजन शुरू करें। तो गणेश जी को आप चंदन अर्पित करें, फिर हम चंदन अर्पित करने के बाद रोली अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और पंचोपचार विधिवत गणेश जी का पूजन करें। फिर हम गणेश जी को अर्पित करेंगे पीले फूल और जनेऊ, वस्त्र के भाव में मौली, सभी चीज़ें अच्छे प्रकार से अर्पित करें। नौवां दिन नवरात्रों का नौवां दिन नवरात्रों का अंतिम दिन होता है। तो अब हम नवग्रह का पूजन करेंगे, नवग्रह को भी फूल अर्पित करेंगे, हल्दी रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र के भाव में मौली और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अब हम पूजन करेंगे कलश का, तो कलश को भी आप हल्दी रोली चंदन कुमकुम अर्पित करें और अच्छी प्रकार से विधिवत कलश का भी पूजन करें। नवरात्र के नौ दिन में कलश, ज्वारे, नवग्रह, गणेश जी, जितने भी देवी देवताओं का आपने आह्वान किया है सभी का पूजन करना है। फिर फूल भी अर्पित कर दें। अब माता रानी को रोली अर्पित करें, रोली का तिलक लगाएं माता रानी को, और आज माता सिद्धिदात्री का दिन है तो माता सिद्धिदात्री को भी रोली का तिलक लगाएं। माता रानी को फूल माला अर्पित करें, नवमी के दिन तो आपको माता रानी को फूल जरूर अर्पित करने चाहिए, फूलों की माला, और माता रानी को फूल अर्पित करें, और जो श्रृंगार का सामान है सब वहीं रहने दें सप्तमी को जो हमने चढ़ाया था, और ज्वारों को भी फूल अर्पित कर दें आप। फिर माता रानी को गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं, माता रानी को गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है, या गुड़हल का भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर ज्वारों में आप जल जरूर डालें, ज्वारों को सींचना जरूर चाहिए। फिर अब हम धूप और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। माता रानी को आज के दिन पान का भोग लगाया जाता है, पान पे हमने बताशे, लौंग, इलायची, सुपारी ले ली है, और अब हम भोग लगाएंगे माता रानी को पान का, और गणेश जी को भी पान का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी और माता रानी, नहीं तो आप सभी देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं, या फिर गणेश जी और माता रानी को तो जरूर लगाएं कम से कम। फिर जल रख देंगे, और नवमी के दिन हमारे यहाँ हलवा, पूड़ी, चने और फल का भोग लगता है, तो माता रानी को हम हलवा और पूड़ी और चने का भोग लगाएंगे। फिर तीन बार हम जल में से आचमनी जरूर करें, जल जरूर घुमा लें भोग लगाने के बाद, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो भोग को स्वीकार करें। फिर आरती करेंगे माता रानी की, धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, और भोग पे आप फूल जरूर रख दें। तो अब हम करेंगे हवन की तैयारी। आज के दिन हवन, बड़ा हवन होता है, तो ये देखिए हवन कुंड को मैंने सजा दिया है। जब भी हवन करें तो थोड़ा सा सजा जरूर लें। हवन करने के बाद तो हमने हवन भी कर लिया है, तो अब हम आखिरी में माता रानी को दक्षिणा जरूर अर्पित करें। फिर हम करेंगे कन्या पूजन। हमारे यहाँ नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, तो हम देखिए कन्या पूजन कर रहे हैं। तो हमने सभी कन्याओं को भोग लगा दिया, मतलब खाने को दे दिया है, हलवा पूड़ी चना का भोग लगाया है। तो इस प्रकार से हमने मनाई नवमी, और आपने किस प्रकार से करी मेरे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे लगी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।